नमस्कार दोस्तों, ये देखिए 32 इंची का सोनी का एलईडी है। तो इसका मॉडल मैं एक बार दिखा देते हैं, इसको खोल लिए मैंने। तो ये इसका मॉडल नंबर है KLV32W512D। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए इसका मेन पीसीबी और इसका एडोप्टर, 19 वोल्ट का एडोप्टर लगता है। ठीक है, ये पैनल नंबर है HV3200WHB। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये देखिए डीसी टू डीसी आईसी इधर में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं कि इसमें पावर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, तो ये पावर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये देखिए इसका ग्रीन लाइट जल गया है। अब इसका फॉल्ट देखिए, देखिए ये बारीक बारीक लाइन आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे से भी आ रहा है, मतलब और इधर से भी आ रहा है, दोनों साइड से आ रहा है। देखिए ये देखिए ये लाइन आ रहा है बारीक बारीक। ठीक है, तो इसमें पिक्चर लगाने से भी, पिक्चर लगा कर भी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर लगा दिए। ठीक है, ये ऊपर से नीचे ये लाइन आ रहा है, ये पूरा ही लाइन आ रहा है। देखिए इधर से भी दिख रहा है और इधर से भी दिख रहा है और बीच में से भी लाइन आ रहा है पूरा। तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले हम वोल्टेज इसका चेक करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, ये मीटर लगा दिए हैं, तो पहले हम VGH वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस जगह पे VGH वोल्टेज पॉइंट है, ये देखिए VGH वोल्टेज 30 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये 16 वोल्ट भी आ रहा है। ये देखिए ये 16 वोल्ट भी आ रहा है इस जगह पे। देखिए और इसमें अभी दूसरा जो वोल्टेज है, ये देखिए 7 वोल्ट भी बन रहा है। ठीक है, और ये DVD जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट भी बन रहा है, और इसका VGL वोल्टेज, वी ऑफ वोल्टेज जो है इस जगह पे, वो वी ऑफ वोल्टेज है। ये देखिए ये वोल्टेज भी बन रहा है, और इसका जो ये जो वोल्टेज है, ये देखिए इस पे, जैसे इस पे, इस वाले पॉइंट में अगर चेक करते हैं, इस वाले पॉइंट में 15 वोल्ट, इससे घटते हुए जो वोल्टेज बनना चाहिए वो बन रहा है। ठीक है, ये देखिए 13 वोल्ट हो गया है, ये 13 वोल्ट हो गया है, ये इस पे जब लगाते हैं तो 12 वोल्ट बन रहा है। ये लेवल सेक्टर का जो वोल्टेज है, ये लेवल सेक्टर का भी वोल्टेज एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए घटते हुए ये वोल्टेज ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये एक बार भी इस पैनल में कभी भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए एकदम क्लीन है पूरा, और इधर से भी, राइट साइड से भी क्लीन है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले इसका CKB लाइन कट करेंगे लेफ्ट साइड से, और उसके बाद में देखते हैं कि इसमें कोई और दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो इसको पहले हम सिक्के भी जो लाइन है उसको पहले हम साफ कर लेंगे, और उसके बाद में हम कट करेंगे, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ा तो दूसरी साइड भी कट करना पड़ेगा, दूसरे साइड में। इस साइड से अगर नहीं हुआ तो इस साइड से हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरे साइड में कट करेंगे। तो इसको थोड़ा साफ कर लेने से क्या है कि दोबारा काम करने में आसानी रहेगा। ये देखिए दोस्तों, साफ हो गया है, तो इसको अभी हम कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इधर से कट कर दिए, ठीक है। ये देखिए पूरा कट हो गया है। इसके बाद में हम चला के इसको देखेंगे कि क्या पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम कटर को देख लेते हैं फिर के ठीक से कटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ये दोबारा फेर दिए, ठीक है। तो ये अभी हम इसको चला के देखेंगे। ये पावर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसका वीडियो वाला कनेक्शन लगा लेते हैं, ये लगा दिए। इसको अभी हम उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर से कट किए हैं लेकिन इसका पूरा पिक्चर ही खत्म हो गया है, इसका कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये खाली लाइन लाइन आ रहा है। तो अभी इस साइड से हम लोगों को ज्वाइन करके राइट साइड से कट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस साइड से कट कर दिया है राइट साइड से, तो अभी लेफ्ट साइड से ज्वाइंट भी कर दिया है। ये देखिए पूरा ज्वाइंट हो गया है, ठीक है। इसका पिक्चर क्लिक मैं दूसरे मतलब उसमें भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अभी पावर लगा के देखते हैं कि पिक्चर कैसा बन रहा है। ये देखिए सोनी एकदम क्लियर आ गया है लिखा हुआ, वो पिक्चर भी परफेक्ट बन गया है। तो ये जो ब्लैक कलर का जो स्पॉट आ रहा है ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब बच्चों ने क्या है कुछ फेंक दिया था, तो उससे वो उस जगह का सेल्स डेड हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।